समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को आजमगढ़ में जनसभा की। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग आजकल गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं उनकी भाप निकालना है। भाजपा नेता जितने बड़े होते हैं उतना ही बड़ा झूठ बोलते हैं, इस बार इन्हें सबक सिखाना है। भाजपा का वोट इस बार साढ़ चढ़ गए, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, यह सरकार बनाने का चुनाव है। जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा को इस बार सात समंदर पार इनके मित्रों के पास भेज देना, हम आजमगढ़ की 10 सीटें जीतेंगे। सपा सुप्रीमो ने कहा कि आजकल एक गाना चल रहा है कि यूपी में काबा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम परिवारवादी लोग हैं, तो एक बात हम परिवारवादी लोगों की इस बार जरूर मानना, हम लोग जब अपने घरों को शाम को जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेकर जाते हैं, ऐसे में इस बार जब बाबा जी गोरखपुर जाना तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर ले जाना, यह हम लोगों की सलाह है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि इस जिले में पहले से ही साइकिल तेज रफ्तार से चल रही है, आजमगढ़ में इस बार धुआंधार वोट पड़ना चाहिए जिससे धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएं। जिले ने हमेशा सपा का सम्मान बढ़ाया है, जितना लगाव यहां की जनता से है इतना कहीं से नहीं, हमने खुद आजमगढ़ को अपना घर माना है, सरकार बनने पर बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करेंगे।